दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक के साथ। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी एकांकी पार्ट 4 और इसमें एकांकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके बारे में हम आप बात करेंगे। महत्वपूर्ण एकांकियां कौन कौन सी हैं उन सब को लेकर के। इससे पूर्व में हमने हिंदी एकांकी के 3 भाग बनाए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। उन सब में एकांकी के उद्भव और विकास के साथ साथ एकांकी के पूरे युगीन परिवेश को समझने के लिए भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग और आज़ादी के बाद के युग, यानी कि चारों युगों को विश्लेषित करते हुए हिंदी एकांकी की एक विकास यात्रा आपको दिखाई है। हिंदी एकांकी की प्रमुखताएं, किन किन विषयों के ऊपर इन चारों युगों में एकांकियां लिखी गई और कैसे उनके रूप बदले, परंपरा से पाश्चात्य तथ्यों को कैसे उन्होंने ग्रहण किया, विदेशी नाटककारों का कैसे प्रभाव पड़ा, इन सब चीज़ों को लेकर हमने चर्चा की। आज की वीडियो है हिंदी एकांकी पार्ट 4, एकांकी संबंधित कुछ प्रश्न और हिंदी की महत्वपूर्ण एकांकियां। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अन्य लाभान्वित वीडियो से लाभ ले सकें। एकांकी नाटक के समान अभिनय से संबंधित विधा है। इसमें किसी विषय को एक ही अंक में प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी का निर्माण रूपक के किस भेद से किया जाता है? उत्तर है अंक। एकांकी के समकक्ष रूपक के अन्य भेद माने जाते हैं कौन कौन से? ये सवाल हम आपको बता रहे हैं, उत्तर भी साथ साथ बता रहे हैं, बस आप इनको गंभीरता से पढ़िए। इस तरह के सवाल आपसे संबंधित किसी भी प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं, अर्थात अकादमिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में या प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में। एकांकी के समकक्ष रूपक के अन्य भेद माने जाते हैं भाण, व्यायोग, विधि, अंक, प्रहसन आदि। एकांकी का विकास एक अंक वाला का अभिप्राय है, अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले। एक अंकीय भास की रचनाओं का प्रेरक एकांकी विकसित है। मध्यम व्यायोग, दूत वाक्य, कर्णभार, उर्भंग, दूत घटोत्कच, ये एकांकी के भाग हैं। संस्कृत में एकांकी का सार्थक शब्द माना जाता है गोष्ठी। प्रथम एकांकी के रचनाकार, प्रमुख एकांकियां कौन कौन सी हम उनकी बात कर लेते हैं। एकांकी का अन्य नाम है छोटा नाटक, लघु नाटक या नाटिका। अब हम बात करते हैं हिंदी के प्रमुख एकांकियों के बारे में और उनके एकांकीकारों के बारे में, सन सहित हम बता रहे हैं। प्रथम एकांकी के रचनाकार भारतेंदु, बसंत पूजा 1872, जयशंकर प्रसाद का एक घूंट जो 1928 में प्रकाशित हुआ, ये भी प्रथम एकांकी मानी जाती है। रामकुमार वर्मा का बादल की मृत्यु 1930 में, ये भी, और भुवनेश्वर प्रसाद का कारवा 1935 में। अर्थात ये एक दुविधा है लेकिन इन सबको माना जाता है। काल की दृष्टि से भारतेंदु की एकांकी को प्रथम एकांकी माना जाता है, लेकिन एकांकियों के तत्वों को देखते हुए कुछ विद्वान एक घूंट को और कुछ विद्वान बादल की मृत्यु को हिंदी की प्रथम एकांकी मानते हैं। हिंदी के प्रमुख एकांकीकारों की एकांकियां, रामकुमार वर्मा की एकांकी जैसे कि बादल की मृत्यु 1930, पृथ्वीराज की आंखें 1937, रेशम की टाई 1949, चारों मित्र 1943, विभूति 1943, सप्तकिरण 1947, रूपरंग 1948, कौमुदी महोत्सव 1949, ध्रुतारिका 1950, ऋतुराज 1951, रजत रश्मि 1952, दीपदान 1954, काम कंदला 1955, कपूर 1956, इंद्रधनुष 1957, रिमझिम्स 1957, औरंगजेब की आखिरी रात, 10 मिनट, मयूरपंख, बापू, विजय पर्व, कड़ा और कृपाण, नाना फडणवीस, महाराणा प्रताप, शिवाजी, अशोक, जौहर की ज्योति, अग्निशिखा, जयादित्य, संत तुलसीदास, जय वर्धमान, भगवान बुद्ध, समुद्रगुप्त, पराक्रमांक, सम्राट कनिष्क, स्वर स्वयंवरा, वत्सराज उद्यन, महामेघवाहन, खारवेल, जहीरुद्दीन, मोहम्मद बाबर। अब भुवनेश्वर की एकांकियों की बात करते हैं। कारवां, श्यामा, एक साम्यहीन, साम्यवादी, 8:15 बजे, आदमखोर, शैतान, प्रतिभा का विवाह, स्ट्राइक, रहस्य, रोमांच, मृत्यु, लॉटरी, सीखों की गाड़ी, चंगेज खां, ऊसर, पतिता, तांबे के कीड़े, अकबर,
इतिहास की केंचुल फोटोग्राफ के सामने, रोशन और आग, रोशनी और आग, सिकंदर, आज़ादी की नींद, उपेंद्रनाथ अश की एकांकियाँ, देवताओं की छाया में, चरवाहे, तूफान से पहले, मोहब्बत, कासवर्ड, पहेली, आपस का समझौता, विवाह के दिन, जोंक, चिलम, खिड़की, जीवन साथी, चुंबक, मेमना, चमत्कार, अंधी गली, आदि मार्ग, अंजो दीदी, कैसा साहब कैसी आया, बत्सिया, समाना मालिक, कैद और उड़ान, अधिकार का रक्षक, स्वर्ग की झलक, साहब को जुखाम है, जोंक, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, सूखी डाली, भंवर, लक्ष्मी का स्वागत, पापी, उदय शंकर भट्ट की एकांकियाँ, एक ही कब्र में, आदिमयुग, दुर्गा, नेता, नकली और असली, बड़े आदमी की मृत्यु, विष की पुड़िया, मुंशी अनोखेलाल, प्रथम विवाह, मनु और मानव, कुमार संभव, गिरती दीवारें, पिशाचों के नाच, बीमार का इलाज, आत्मप्रदान, जीवन वापसी, मंदिर के द्वार पर दो अतिथि, अघटित, अंधकार, नए मेहमान, नया नाटक, विस्फोट, बाबूजी, धूम्रशिखा, महज स्वतंत्रता का युग, मायोपिया, अपनी अपनी खाट पर, वारगेन, ग्रहदशा, गांधी जी का रामराज्य, धर्म परंपरा, एकला चलोरे, अमर अर्चना, मालती माधव, वन महोत्सव, मदन दहन, 10,000, सेठ भालचंद, विश्वमित्र, मत्स्यगंधा, समस्या का अंत, आज का आदमी, वर निर्वाचन, स्त्री का हृदय पर्दे के पीछे, सेठ गोविंददास की एकांकिया स्पर्धा, बुद्ध की एक शिष्या, नानक की नमाज, तेग बहादुर की भविष्यवाणी, परमहंस का पत्नी प्रेम, कृषि यज्ञ, बुद्ध के सच्चे स्नेही कौन, मानव मन, मैत्री, ईद और होली, हंगर स्ट्राइक, सच्चा कांग्रेसी कौन, बंद नोट, जाति उत्थान, वह मरा क्यों, जगदीश चंद्र माथुर की एकांकियाँ, मेरी बांसुरी, भोर का तारा, घोंसले, भाषण, बंदी, शारदिया, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने, खिड़की की राह, लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकियाँ, मड़वे का भोर, अंधा कुआ, ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी और दूसरा दरवाजा, विष्णु प्रभाकर की एकांकियाँ, स्वाधीनता संग्राम, लिपस्टिक की मुस्कान, दृष्टि खोज, प्रकाश और परछाई, ऊंचा पर्वत, ये रेखाएं, ये दायरे, अशोक, मैं मानव हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करूँगा, बीमार, गहरा सागर, तीसरा आदमी, डरे हुए लोग, अभ्या, वृंदावन लाल वर्मा की एकांकियाँ, लो भाई पंचोलो, कश्मीर का कांटा, भगवती चरण वर्मा की एकांकियाँ, चौपाल, सबसे बड़ा आदमी, नरेश मेहता की एकांकी, सुबह के घंटे, जैनेन्द्र कुमार की एकांकी, टकराहट, हरिकृष्ण प्रेमी की एकांकी, मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर, न्याय मंदिर, वाणी मंदिर, मंदिर नाम से अधिकतर इन्होंने लिखी, विनोद रस्तोगी की एकांकियाँ, पुरुष का पाप, पत्नी का परित्याग, साम्राज्य और स्वागरात, सौंदर्य का प्रायश्चित, आज मेरा विवाह है, दो चांद, प्यास और प्यास, काला दाग, कसम कुरान की, सोना और मिट्टी, रथ के पहिए, पैसा, जनसेवा और लड़की, मुन्ना मर गया, मंगल मानव और मशीन, प्रभाकर माचवे की एकांकियां, गली की मोड़ पर, पागलखाने में, पंचकन्या, पर्वत श्री रामगिरी, संकट पर संकट, वधु चाहिए, गांधी की राह पर, धर्मवीर भारती की एकांकी, नदी प्यासी थी, मोहन राकेश की एकांकी, अंडे के छिलके, मारकंडे की एकांकी, पत्थर और परछाई, मोहन राकेश की एकांकी, अंडे और छिलके, बड़ी हास्य और व्यंग्य प्रधान और बहुत ही मार्मिक एकांकी, राजपूत मलिक की एकांकियाँ, आंधी की दिया, मिट्टी परछाई, परछाइयाँ, जमीन आसमां, चार राज की बात, हाथी के दांत, भूखी आँखें, शीशे का घर, कविता का भूत, घरौंदा, धुएं के बादल, बरगद का पेड़, डायन, पहली रात, दिन की दिवाली, रजनीगंधा, धरोहर, कनीप्रिया, दोहरा व्यक्तित्व, टूटती कड़ी, संशय, सम्मोहन, गणेश प्रसाद द्विवेदी की एकांकियाँ, सुहाग बंदी, वे फिर आई थी, पर्दे का अपर पार्श्व, शर्मा जी, दूसरा उपाय ही क्या है, सर्वस्व, समर्पण, कॉम्रेड, गोष्ठी, परीक्षा, रपट, रिहर्सल, धरती माता, गोविंद वल्लभ पंत की एकांकी, अंगूर की बेटी, विश्वकन्या,
व्यथित हृदय, कमलाकांत वर्मा की एकांकियाँ, उस पार प्राणदान पुष्पफल। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो एकांकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और हिंदी के कुछ प्रमुख एकांकियों को लेकर के। आशा है वीडियो आपने पूरी देखी और आपके लिए लाभान्वित होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ इसे साझा करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें, उन्हें भी अध्ययन में कुछ सहयोग मिले, और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपके मन में वीडियो संबंधित या कोई अन्य सवाल हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।